गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 13 जून 2020 को मैं अर्चना सिंह आप लोगों का सक्सेस मंथ चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो आज हम देखेंगे अपने देश दुनिया में क्या नया हुआ है, क्या स्पोर्ट्स में, अर्थव्यवस्था में क्या नई चीज़ें हुई हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेंस 1, 2, 3, 4 जो जीएस का पेपर होता है उसके चारों पेपर की हम लोग यहाँ सीरीज़ अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको जो भी मेरी आने वाली वीडियोस हैं वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो हम लोग मंडे से पूरी प्रॉपर सीरीज शुरू करेंगे कि हमें जीएस 1, 2, 3, 4 किस वे में, किस हिसाब से करना है। प्लस हमारा 2 मिनट्स कॉन्फिडेंट बूस्टर सीरीज एक चल रही है जिसमें आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी ही तैयारी को जांच सकते हैं कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितनी और तैयारी की ज़रूरत है, तो उसको देख सकते हैं। प्लस करंट अफेयर की सीरीज तो आपके सामने डेली की डेली आ ही रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण दिवस की बात करते हैं। तो 15 जून तक यही महत्वपूर्ण दिवस चलेगा। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। बाकी एक बार ये गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको ये सारा, अगर बाय चांस एग्ज़ाम में आता है तो आपको याद आ जाए कि 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे था और 8 जून को ही वर्ल्ड ओशन डे भी होता है। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस होता है, मतलब वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, मतलब कि आज है इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। 14 जून को, जो कि कल है, विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को विश्व पवन दिवस, वर्ल्ड विंड डे। 15 जून को होता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, जो कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे होता है। जून का जो तीसरा रविवार है, जो कि 14 जून को इस बार पड़ रहा है, तो वर्ल्ड फादर्स डे है। तो अपने फादर को इस बार विश करना और एक सरप्राइज देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये मैंने पहले ही आप लोगों को वर्ल्ड फादर डे के बारे में बता दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन आप लोगों के पास है, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया है जिसकी राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री इस समय है जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो पिन वैली नेशनल पार्क, गेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार आप लोग कर सकते हैं अगर ये सीरीज़ आप लगातार देखते हैं तो। करंट के साथ साथ आपका प्री भी यहाँ काफ़ी अच्छे जनरल नॉलेज तैयार होती है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सेना ने फिर से फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? तो ये किया है म्यांमार की सेना ने। म्यांमार की सेना, जिसे ताट मांडा कहा जाता है, इन लोगों ने सटीक समाचार, एक्यूरेट न्यूज़ प्रदान करने के लिए फिर से फेसबुक का उपयोग कर रही है। हाल ही में इसका उपयोग फिर म्यांमार ने बंद कर दिया था, उसकी सेना ने। तो म्यांमार के बारे में, इसकी कैपिटल है नेपिता, इसकी मुद्रा है वर्मीकेत और म्यांमार के राष्ट्रपति हैं विन माइंट। तो आप ये याद रखेंगे। हाल ही में कितने वर्ष की आयु में पद्मश्री से सम्मानित प्रीतम सिंह का निधन हो गया? तो प्रीतम सिंह थे 78 ईयर्स के, इनका निधन हो गया है। तो ये IIM मतलब भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ के पूर्व निदेशक थे और इनका निधन हो गया है। वे IPS अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए गृह मंत्रालय समिति के सदस्य भी थे प्रीतम सिंह। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, तो आप लोग ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति पियरे कुरुनजीजा का निधन हो गया है? तो ये थे बुरुंडी के राष्ट्रपति। बुरुंडी के राष्ट्रपति, इनका निधन हो गया 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद। अगस्त में सत्ता छोड़ने वाले थे, अभी इन्होंने छोड़ा नहीं था, तो ये इस समय प्रेजेंट राष्ट्रपति थे, तो याद रखेंगे इन्हें।
शांति प्रयासों के लिए इन्हें 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है इनके बारे में। तो अगर कोई स्पेशल पर्सन होता है जिनको स्पेशल पुरस्कार मिला होता है या स्पेशल काम किया होता है, तो उनके बारे में आप लोगों को एग्जामिनेशन में याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बुरुंडी की राजधानी, जो कैपिटल की बात करें तो गिटेगा है, और बुरुंडियन फ्रैंक यहाँ की मुद्रा होती है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में एशियाई शेरों की आबादी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार आएगा, तो ये है 29%। 2015 में 523 थे, आप लोगों को पता ही है। 2020 में 674 हो गए हैं, और पश्चिम गुजरात के गिर अभयारण्य में यहाँ जंगली शेर पाए जाते हैं, ये घोषणा गुजरात सरकार ने की है। गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। उत्तराखंड ने हाल ही में किस शहर को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? तो ये घोषित किया है गैरसैंड को। गैरसैंड एक ग्रीष्म राजधानी हो गई है, जो जिसे 3 महीने बाद राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है, और वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना था, ये आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए नया दिशा निर्देश जारी करते हुए कितने सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाने को कहा है? तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BS6 वाहनों के लिए कौन से कलर का स्टिकर लगाने को सरकार ने कहा है, तो ये होगा ग्रीन कलर का, और 1 सेंटीमीटर का स्टिकर लगाने को यहाँ कहा गया है। तो केंद्र सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि 1.1 मतलब कि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही एक वन होगी, जिस पर रजिस्ट्रेशन डिटेल लिखी होनी चाहिए, और इस नियम को 1 अक्टूबर 2020 से लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस मुख्यमंत्री इन किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, तो अगर आपको पता होगा कि जगन मोहन रेड्डी किस राज्य के हैं तो आप बता देंगे, हाल ही में अपना पहला ऑनलाइन कचरा विनियमन कार्यक्रम लागू किया गया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस राज्य ने अपना पहला ऑनलाइन कचरा विनियमन कार्यक्रम लागू किया है, शुरू किया है, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और इसके तहत जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनश्चक्रण और दोबारा उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एप्पल $1.5 ट्रिलियन के मार्केट कैप पर पहुंचने वाली अमेरिका की कौन सी कंपनी बन गई है? तो एप्पल जो अमेरिका की है वो हमेशा टॉप पर रहती है, तो एप्पल अमेरिका की टॉप कंपनी मतलब कि फर्स्ट कंपनी बन चुकी है। और एप्पल के प्रति शेयर की मौजूदा कीमत जो $352 है, और साथ ही में टेस्ला के शेयर पहली बार $1,000 के यहाँ पार पहुँच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल फॉर होम स्टोर लॉन्च किया है? तो ये हमेशा की तरह अमेजन ने ही किया है, अमेजन ऐसे काम करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। तो चलिए देखते हैं इसकी डिटेल। इन्होंने स्कूल फॉर होम लॉन्च किया है, जिससे कि बच्चों के स्कूल की पढ़ाई और उससे जुड़ी सभी ज़रूरी चीज़ें एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। कंपनी ने ये कहा है कि स्टोर घर पर बेहतर लर्निंग जोन बनाने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों की मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की 90 वर्षीय हमाको मोरी ने रोजाना 3 से 4 घंटे वीडियो गेम खेलकर अपना नाम ओल्डेस्ट गेमिंग यूट्यूबर पर गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया है? तो ये है जापान के लोग ऐसा कारनामा हमेशा करते ही रहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि 1981 में बच्चे को वीडियो गेम खेलते हुए देखकर उनकी रुचि इसमें जागृत हुई थी, और ये 90 वर्ष की हैं, इसलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। तो आज के करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन सी सीरीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।